गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण में और शिक्षण में आज का हमारा प्रकरण है लेखन संबंधी अयोग्यता। लेखन संबंधी अयोग्यता यानी विद्यार्थियों में पठन के साथ साथ लेखन संबंधी जो अयोग्यताएं पाई जाती है, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेखन संबंधी अयोग्यता को डिसग्राफिया डिसग्राफिया के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं और खराब लेखन लिखते हैं या खराब लेखन करते हैं। इससे छात्रों द्वारा लिखा गया लेखन कार्य मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता है। लेखन के मापदंड होते हैं शुद्ध लिखना, स्वच्छ लिखना, अपने शब्दों के बीच अंतराल होना, इस प्रकार के जो लेखन के मापदंड है उन पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे एक दोष माना जाता है। इस प्रकार दोष के कारण भाषाई विकास में भी अवरोध उत्पन्न होता है। और जो प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं, प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं कि लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन व्यवस्था से है। इससे अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है। लेखन की व्यवस्था से जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित दूरी, अनुचित दूरी एवं शिरोरेखा शिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। सुलेख में यह होता है कि सुंदर लेख लिखा। जब हमारी ये जो लेखन संबंधी जो अयोग्यता है, यह सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार लेखन अयोग्यता बालकों में अनेक रूप से देखने को मिलती है। अब शिक्षक द्वारा लेखन जो है अयोग्यता की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, इसमें सबसे पहले है विद्यार्थियों के जो अक्षरों की जो बनावट होती है, अक्षरों की बनावट शिक्षक जो है विद्यार्थियों की अक्षरों के बनावट से उनकी लेखन संबंधी जो अयोग्यता है उसकी
पहचान करता है, यानी खराब लेखन वाले छात्र जो द्वारा अक्षरों की बनावट का क्रम जो है उचित नहीं होता है, यानी जैसे वह यानी जैसे वे प को प लिखना होता है वहां उस स्थान पर फ लिखते हैं, और यदि फ लिखना है तो वह आधा लिखेंगे फ, तो यह उनके अक्षरों की बनाव जो है वह अधूरी है। अब जहां उनको ब लिखना है वह लिखना है वहां वह ब लिखते हैं, या फिर जहां ब लिखना है वहां ब लिखते हैं, जहां म लिखना होता है वहां वह भ लिखते हैं, और जहां भ लिखना होता है वहां म लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है उनके अक्षरों की बनावट जो है वह अधूरी होती है, और लेखन संबंधी अयोग्यता में शिक्षक इन अयोग्यताओं का की पहचान कर छात्रों के लिए उचित दिशा निर्देशन प्रदान कर सकता है, और विद्यार्थियों की लेखन संबंधी यह अयोग्यता कब, जब बालक शुरू शुरू में जब विद्यालय आता है तो उसी समय उसकी पहचान हो जाती है और इसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद है मानकों के अनुरूप, लेखन के जो मानक यानी मापदंड जो तय किए हुए हैं उसके आधार पर इनमें अयोग्यता पाया जाना, जैसे लेखन अयोग्यता वाले जो बालक होते हैं सामान्य रूप से खराब लेखन करते हैं, खराब लिखते हैं, उनका यह लेखन मानकों के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि जैसे अतः इनमें जो है लेखन की अयोग्यता प्रथम दृष्टि से ही शिक्षक द्वारा जो देख कर पता चल जाता है, और ऐसे बालकों को जो है जो मानकों के अनुरूप लेखन कार्य नहीं करते उनको एक श्रेणी में रख कर उनको सिखाना, जैसे किसी भी शब्द को जब वह लिखते हैं तो उसकी शिरोरेखा ठीक से नहीं खींचते हैं, उसके शब्दों को ठीक से नहीं लिखते हैं, शब्दों के मध्य या लाइन के मध्य जो अंतराल होता है वह उचित अंतराल नहीं रखते हैं। फिर है अधूरे शब्द लिखना, तीसरी जो अयोग्यता है वह है बालकों द्वारा अधूरे शब्द लिखना, यानी लेखन अयोग्यता में से ग्रसित बालक जो होते हैं वह सामान्य रूप से अधूरे शब्द लिखते हैं, जैसे यदि द लिखना है तो वह ढ लिखेंगे, द लिखना है तो वहां ढ लिखेंगे, प लिखना है वहां प लिखेंगे, प लिखेंगे, और म लिखना है वहां भ लिखेंगे। ये जो होते हैं यह अधूरे शब्द होते हैं, तो इसलिए जो शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वह अधूरे शब्दों को लिखते हैं, और इसी प्रकार शब्दों में जैसे शब्द जो होते हैं ये तो वर्ण है, और यदि उनको कुछ शब्द लिखने हैं तो पंक्ति को पंक्ति लिखेंगे, निर्मोही को नरमोही लिखेंगे, या और कोई अन्य जैसे शब्द है उसको उसी प्रकार से लिखेंगे अधूरे शब्दों के रूप में। इस प्रकार शब्दों और अक्षरों में त्रुटियों से एक और तो छात्रों का लेखन खराब होता है, क्योंकि उस समय वह शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तथा दूसरी ओर शिक्षकों की भाषा में भी कठिनाई होती है। जब शिक्षक जब पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में भी या उनकी भाषा में भी उनको कठिनाई होती है। फिर अक्षरों के बीच की दूरी, आज चौथी जो अयोग्यता है वह बालकों के अक्षरों के बीच की दूरी है। लेखन अयोग्यता के प्रति
ग्रसित छात्र अपने अक्षरों के बीच में उचित दूरी रखने नहीं रखते हैं, जिससे लेखन खराब होने की संभावना होती है, क्योंकि प्रत्येक अच्छे लेखन के लिए अक्षरों के बीच समान दूरी होना आवश्यक है। यदि मैं एक शब्द यहाँ लिखूं, दूसरा यहाँ लिखूं, तीसरा यहाँ लिखूं, चौथा यहाँ लिखूं, तो यह जो है मेरी लेखन अयोग्यता को दर्शाएगा। तो यानी लेखन में जो है शब्दों के बीच की दूरी जो है एक अंतराल में होनी चाहिए। फिर है शब्दगत दूरी, शब्द गत दूरी। अब जो है अनेक छात्र जो है शब्दों के बीच की उचित दूरी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे खराब लेखन की संभावना रहती है। अनेक अवस्था में यदि शब्दों के बीच दूरी उचित है तो लेखन स्पष्ट और सुलेख की श्रेणी में आता है। यानी जैसे मुझे यही शब्द लिखना है, शब्द शब्द मैंने यहाँ लिखा और गत यहाँ लिखा, तो ये जो एक शब्द है इन शब्दों की जो दूरी है वह बढ़ गई है और ये दो शब्द हो गए, शब्द और गत, जबकि क्या होता है शब्द गत। तो इस प्रकार से इनके मध्य जो दूरी है वह दूरी भी इनकी लेखन अयोग्यता को दर्शाती है। फिर है शिरोरेखा का सीधा ना होना, शिरो रेखा का सीधा न होना। अब जो बालकों की लेखन अयोग्यता को दर्शाती है उनकी शिरोरेखा का सीधा न होना। बालक जब लिखते हैं तो उस पर जो है जो रेखाएं खींचता है वह सीधी न होते हुए या तो यहाँ से ज्यादा ले लेगा या पीछे से ज्यादा ले लेगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, तो यह जो है उनकी खराब लेखन प्रणाली को दर्शाती है। जबकि यह होना चाहिए कि जब लिखते हैं तो उस समय उचित शिरोरेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा खींची जानी चाहिए। उसके बाद है मात्रा लेखन के ज्ञान का अभाव, मात्रा लेखन के ज्ञान का अभाव। अब जो है लेखन अयोग्यता वाले छात्रों में मात्राओं के प्रयोग की भी योग्यता का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार के छात्र उचित रूप से शब्दों और अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यदि कोई शब्द लिखना है, सपोज कुआ लिखना है, दो मात्रा आई, ऐसे बालक क्या करते हैं, कौआ हो गई मात्रा होगी, गलती औरत लिखना है, औरत लिखते हैं, औरत हो गई मात्रा होगी गलती। तो यानी जो है इस प्रकार के बालकों में जो है मात्रा लेखन के ज्ञान का अभाव रहता है। यानी कहां पर दो मात्रा लगानी है, कहां पर एक मात्रा लगानी है, उसका उनको ज्ञान नहीं रहता है। फिर है मिश्रित शब्दों के लेखन में कठिनाई, मिश्रित शब्दों के लेखन, मिश्रित यानी जो मिले जुले जो शब्द होते हैं उनको लिखने में भी इनको कठिनाई होती है। इनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि इनमें लेखन संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि
अनेक कठिन भाषाई शब्द छात्रों के लेखन के प्रति अरुचि उत्पन्न करते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उनमें अरुचि उत्पन्न करते हैं और वह बिना मन के लिखते हैं। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इन सभी लक्षणों के आधार पर एक शिक्षक द्वारा लेखन अयोग्यता वाले छात्रों की पहचान कर सकता है तथा उनको उनकी इस अयोग्यता के कारणों का ज्ञात करके उनको जो है उनके समाधान पर विचार किया जा सकता है। और ये कब होगा? जब शिक्षक द्वारा शुरू शुरू में प्रयास किया जाएगा। अब है आज का आपका गृह कार्य। लेखन अयोग्यता की परिभाषा। देते हुए इसकी पहचान किस प्रकार दी जा सकती है, समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।